إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرین جمع خواتین ملت موسم چل رہا ہے دنیا کے چپے چپے سے کونے کونے سے حاجیوں کے سفر حج مبارک کے لیے روانگی کا مختلف جہتوں سے سمتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی جو پکار دی اس پکار پہ لبائک کہتے ہوئے مختلف علاقوں سے حجاج کرام سفر حج و عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور مہینہ بھی حج کے مہینے چل رہے ہیں ذوالقعدہ پھر اس کے بعد ذوالحجہ جن کو اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے حرمت والے مہینے جن مہینوں میں عبادات ذکر اذکار نیکیاں زیادہ سے زیادہ بٹورنا چاہیے کیونکہ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے عظمت والے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہیں
ये रोज़े अव्वल से अल्लाह ताला ने तय फरमा दिया, जिस दिन अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ो समा को पैदा फरमाया, और उनमें से चार महीने हुरमत वाले हैं, मिन्हा अरबातुन हुरुम, चार महीने हुरमत वाले हैं। इन चार महीनों में तुम अपने आप पे जुल्म ज्यादती ना करो, बिदात व खुराफात, शिर्क व बरबरियत, जुल्म ज्यादती, गुनाह के काम से गुरेज व परहेज किया करो, और नेकिया कसरत से बटोरा करो। फीहा अरब मिन्हा अरबातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमु फीहिन्ना अन्फुसकुम, अपने आप पे जुल्म ना करो, नेकिया किया करो। सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क, फिर बिदात व खुराफात, शरीयत के खिलाफ अर्जी, नबी की मुखालफत, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल देना, शरीयत इस्लामिया को छोड़ देना, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को फरामोश कर देना, ये सब जुल्म है, मत किया करो। दीगर महीनों में तो नहीं करना है, इन चार महीनों में खुसूसियत के साथ। वो चार महीने कौन से हैं? नबी ने फरमाया सलासुन मुतवालियात, तीन महीने लगातार हैं। इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जुलहिज्जा, और कहा कि उनका पहला महीना जैसे कि मुहर्रम, और आखिरी महीने से पहले जुलकादा, यानी इस्लामी कैलेंडर के आखिरी दो महीना जुलकादा, जुलहिज्जा, फिर उसके बाद है पहला महीना मुहर्रम, और बीच में एक महीना है रजब। रजब जुलकादा चल रहा है, जुलहिज्जा आने वाला है, बड़े अजमत वाले महीने हैं। उनमें जो काम किए जाते हैं, सबसे पहले हज उमरा, फिर उसके बाद रोजे तो है ही इंशाल्लाह, बातें आएंगे आगे, और फिर उसके बाद कुर्बानी, और कुर्बानी के ईद, ईद कुर्बानी। इन बातों को आप मालूम करेंगे। आइए आज मैं आपके सामने हज और उससे मुतालिक चंद बातें अर्ज करूं, ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको इसकी अजमत और शान का पता चले, एहसास हो, और जो लोग नहीं जा रहे हैं उन्हें भी इरादा हो, वो भी आगे इरादा कर लें, और अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, सबके लिए आसानी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाजरीन, हज की तारीख अगर आप देखना चाहें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले भी हज होते थे, यानी उस जमाने जाहिलियत से, जब से ये घर है तब से इसका हज होता है। इसकी तारीख क्या है? मैंने खुतबाए मसूना के बाद आपके सामने आयत पढ़ी है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 और 97, 96 और 97। अल्लाह ताला ने 95 में, आयत नंबर 95 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्किरा किया और फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का की जो मिल्लत है, फत्तबियु मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी किया करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, यहूद में से नहीं थे, नसारा में से नहीं थे, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, तौहीद परस मुसलमान थे, तौहीद का पैगाम आम किया करो, शिर्क से गुरेज और परहेज किया करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खानवादाए इब्राहिम की यादगार है। वो क्या है? मक्का, और उसके बाद है हजर अस्वद, मुकाम इब्राहिम, सफा मरवा, और काबा, काबा जो आबाद हुआ, जमजम है, जमजम का कुआं है। ये सारे के सारे अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्ना अव्वल बैतुन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, यकीनन दुनिया का पहला घर है ये, उससे पहले कोई घर नहीं था। इन्ना अव्वल बैत, पहला घर, उदिया लिन्नास, जो अल्लाह की इबादत के खातिर इंसानों के लिए बनाया गया, जिसकी बुनियाद रखी गई, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी है। बाज रिवायतों में आता है अल्लाह तबरक ताला ने सबसे पहले दुनिया में काबे के नीचे की मिट्टी बनाई है, जब जमीन को बनाना चाहा काबे के नीचे की मिट्टी बनाई है, फिर उसके बाद काबे के नीचे की मिट्टी से सारी मिट्टी को अल्लाह ने फैलाया है। अल्लाह अकबर, ये पहला घर है, यानी अल्लाह ने पहले रोज से बनाया है, और वो कौन सा घर है? अल्लदी लल्लदी भी बक्का, जो मक्के में है, मक्के का पुराना नाम बक्का है, मक्के में जो घर है वो दुनिया का पहला घर है, और उसमें क्या है? फीही आयातुम बय्यिनात,
मकाम इब्राहिम बेशुमार निशानियां हैं। क्या क्या निशानियां हैं? वहां पर मक्का आबाद है, मक्का खुद एक निशानी है, वहां काबा है, ये खुद बहुत बड़ी निशानी है, हजर अस्वद है बहुत बड़ी निशानी है, मकाम इब्राहिम है जन्नती पत्थर है, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, जमजम का कुआं और पानी एक बहुत बड़ा मिराकल और मोजेजा है, सफा मरवा है, सफा मरवा की सही है, अल्लाह अकबर, फीह आयात बयिनात, मकाम इब्राहिम व मन दखलहु काना आमिना, और जो उसमें दाखिल हो गया अमन पा गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये सबसे बड़ा मजमुआ है, इतने बड़े मजमुए में इतना अमन है, इतना सुकून है, शायद किसी जगह पर हो, शायद किसी जगह पर हो, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की तरफ से मोजिजा है, अल्लाह की तरफ से मिराकल है, मोजिजा है। मैंने बारहा ये वाकया बताया है कि एक बहुत बड़े गैर मुस्लिम इलाके के लीडर को ये बताया गया कि आपके पास आप सारे सिपे सालार आप हो, सारे सिपाहियों के आप जो है बड़े हो, आपके अंडर में कितने सिपाहियां हैं? कहा कि तकरीबन 20 लाख हैं या 15 लाख ऐसे कहा है। कहा कि ये 20 लाख 15 लाख मजमे को अगर आप एक मिनट में सबको सब बंदी करना है, लाइन अप करना है, कैसे करोगे? कहा कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, उसके लिए मुझे मेरे सब कमांडर्स चाहिए और उसके लिए मुझे कम से कम घंटा टाइम चाहिए सबको लाइन अप करने के लिए। कहा कि अच्छा, याद करो, याद रखो, हमारे पास एक ऐसा तरीका है जहां पर 30-40 लाख का मजमा होता है, 30-40 लाख का मजमा है, कोई बैठा है, कोई लेटा है, कोई खड़े हैं, कोई तवाफ में है, कोई नमाज में है, कोई अस्कार में है, कोई किसी हालत में है, और सब सारे मजमाए को मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आन के चुटकियों में एक मिनट में नहीं है, दो चार सेकंडों में सारे के सारे लाइन अप हो जाते हैं। हज के मौसम में देखो अल्लाह अकबर, कहा कि अल्लाह की तरफ से ये मोजिजा है, ये मिराकल है, शायद कोई करके दिखा सकता है। इसी वाकये से वो इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये बहुत बड़ा मोजिजा है। फी आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहिम व मन दखलहु काना आमिना, अमन पा गया, अल्लाह अकबर। अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, हमारा काबा जो दुनिया का पहला गहवारा है, पहला घर है, पहली मस्जिद है, हर मस्जिद का ताल्लुक उस मस्जिद से है जिसको अमन का गहवारा कहा गया है। हर मस्जिद अमन का गहवारा है। मुसलमानों, गैर मुस्लिमों, कान खोल के सुन लिया करो, मस्जिद, हर मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद अमन का गहवारा है, अमन का पैगाम देती है, अमन का पैगाम सुलह और आश्ती का पैगाम देती है। आ जाओ मस्जिद में, आपको सुकून मिले, आ जाओ मस्जिद में, आपको बेहतरीन नींद मिले, आ जाओ मस्जिद में, आपको खाना मिले, आ जाओ मस्जिद में, आपको तालीम मिले, आ जाओ मस्जिद में, आपकी हमदर्दी हो, आ जाओ मस्जिद में, आपकी तरबियत हो, आ जाओ मस्जिद में, आपको शेल्टर मिले, आ जाओ मस्जिद में, आपको हर तरह के अखलाक की तालीम मिले। अल्लाह अकबर वमन दखलहु काना आमिना। हर मस्जिद का यह किरदार है क्योंकि हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है। अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या क्या नुक्ते की बातें बताऊं, अहले इल्म ने इतनी सारी दो आयतों में इतने समंदर को दाखिल किया है। फीही आयातुम बय्यिनात, वासे निशानियां इतने ज्यादा हैं, बयान करता जाऊं वक्त नाकाफी हो जाए। मकाम इब्राहिम वमन दखलहु काना आमिना। मकाम इब्राहिम ये लिफ्ट है, आज का जो लिफ्ट का तसव्वुर है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर शुरू किए, दीवार ऊंची हो गई, दीवार तक हाथ नहीं पहुंच रहा था, अल्लाह ने जन्नत से पत्थर भेजा मकाम इब्राहिम, आप इस पे ठहर जाओ, ये खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली ऊंचा होता जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या देखो मुजज़ा है। इसीलिए अल्लाह ने खुसूसियत के साथ तस्करा फरमाया। फिर काबे को रोशनी की जरूरत थी, उस रोशनी को, रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद को भेजा, इतना रोशन था कि सारा काबा, काबे का अतराफ अकनाफ को रोशन करता था, लेकिन हमारे और आपके गुनाह ने उसको काला बना दिया है। अल्लाह अकबर। इंसान के गुनाह का असर देखो, हजरे अस्वद पे भी असर डाला है, और इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुनेगार के गुनाह का असर इतना होता है।
अल्लाह अकबर, एक गुनहगार के गुनाह का इतना असर होता है, वो कालापन है, इतना असर होता है कि जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, इंसान, जिन्नात, हैवानात सब के सब परेशान रहते हैं। जब वो मर जाता है सब राहत महसूस करते। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह अकबर, ये गुनाह से बचो, गुनाह का असर इंसान के जिस्म पे होता है, कायनात और अर्ज़ो समा पे होता है, हर एक पे होता है। बहरहाल ये सारी निशानियां हैं, जो उसमें दाखिल हो गया अमन पा गया। अब करना क्या है, वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। आदमी उसके बाद अल्लाह ने पैगाम दिया, अल्लाह के खातिर इंसानों पर जो ताकत रखता है हज करना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, हज की ताकत नहीं रखता है, उमरा करना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है, जिंदगी में एक बार ये काम करना है। और जो इस्तेताअत के बावजूद भी हज उमरा नहीं करता, कुफर है, कुफर है। अल्लाह कह रहा है वमन कफर फइन्नल्लाह गनीय्युन अनिल आलमीन। जो कुफर करे, जो कुफर करे, अल्लाह बेनियाज है, हमें अपने फायदे के लिए हज करना, उमरा करना है। हज उमरे के क्या क्या फायदे हैं, आइए मैं आपको मुख्तसर गिनाता हूँ। हाजरीन, ये जो हज और ये उमरा, इसके बड़े फवाइद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उमरतु इलल उमर कफारतु लिमा बैनहा, उम्रा और उम्रे के दरमियान के सारे गुनाहों को मिटा देता है। वल हज मबरूर लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, हज मबरूर सुन्नत के मुताबिक किया हुआ हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, मुत्तफकुन अलैही, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी ने फरमाया जो आदमी ईमान के साथ, सुन्नत के मुताबिक, इखलास के साथ, हलाल कमाई के साथ हज करता है और हज के दरमियान गुनाह नहीं करता, बिदात खुराफात अंजाम नहीं देता, फिस्क फुजूर नहीं करता है, मन हज्जा फलम यरफुत वलम यफसुक खराजा मिन दुनूबी, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है, कयाउम मिन वलदत हु उम्मो, जिस तरह से पहले दिन उसकी मां ने उसको जन्म दिया था, पहले दिन दुनिया में आया था, कोई गुनाह नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह से वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह से नबी ने फरमाया अल गाजी वल मातमर वल हाज, हज करने वाला, उमरा करने वाला और अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल गया और सही सलामत वापस आया, वो गाजी है। कहा कि अल्लाह अकबर, इनके लिए इतना अजर व सवाब है, अगर वो इस सफर में वफात पा गया है, कयामत के रोज तक नेकियां लिखी जाएगी, हज उमरे की नेकियां लिखी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये हज उमरा, नबी ने फरमाया इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं और रोजी रोटी में बरकत भी देते हैं। हज उमरा करो, रोजी रोटी में बरकत आएगी, ये मुजर्रब नुस्खा है। और इंसान के गुनाहों के साथ साथ उनके दिलों की तमन्नाओं, आरजुओं को पूरा करने के लिए जाओ हज उमरा जाओ, वहां जाने के बाद अल्लाह तबरक ताला से मांगो कितनों की मुरादें पूरी हुई है वहां जाने के बाद, कितने के गोद भर गई है, कितने के घर आबाद हुई है, कितने को शिफा मिल गई है, सिर्फ जम जम पी पी कर कितने को शिफा मिल गई है। अल्लाह अकबर। अरब दुनिया में से एक जगह, यानी मिस्र के एक एक्टर, सारी दुनिया उसके दीवाने, और अल्लाह ने उसको ऐसी बीमारी दे दी है, कैंसर की बीमारी, डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हें अभी शिफा नहीं मिलना है, बस 4-6 महीने के मेहमान हो तुम। उसने क्या किया, हज उमरे के इरादा के, उमरे करने के इरादा कर लिया, उमरा करने के लिए वहां पर पहुंची है, जमजम पीते रहे, इतने जमजम पी, उसके बाद वापस जाके जब टेस्ट किया पूरी तरह से क्योर, कुछ नहीं है, जरासिम कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। उसके लिए यकीन चाहिए, तवक्कुल चाहिए और अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए, अल्लाह की इज्न बिइज्निल्लाह इंशाअल्लाह। ये देखो जहां पर सारे दवाइयां फेल हो जाएं, अल्लाह के वहां पर मोजज़ात काम करने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जमजम का के तअम तआम व शिफाउ इल्ला, और कमा قال رسول الله कि ये जमजम जो है ये पीने के लिए पानी भी है, खाने के लिए गिज़ा भी है और बीमारियों के लिए शिफा भी है, शिफा भी है। अल्लाह अकबर। हाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि हज और उमरा, हज अल उमरा जिहादुल कबीर व सगीर व दईफ अल मरह, औरतों का, छोटों का, बूढ़ों का, कमजोरों का, ये जिहाद है। क्या हज उमरा ये इन लोगों के लिए जिहाद है। वाकई माने में हज उमरा एक जिहाद के बराबर है, उसमें ही मेहनत करना पड़ता। नबी ने फरमाया अल हज अस्सज,
الحج الزج حج کیا ہے صبر و تحمل کا محنت آواز اونچی کرنے کا نام ہے اور محنت کرنے کا نام ہے یاد رکھو پراگندہ حالی کا نام ہے یاد رکھی اس لیے یہ حج حج کے جو مقاصد کیا ہیں میں آپ کے سامنے مختصرا انشاءاللہ رکھوں گا حج کے فضائل اب بے شمار سنیے ہیں حج کے مسائل بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے سنڈے ہمارے پاس الحمدللہ حج تربیتی قیام ہے عصر سے لے کر عشاء تک حجاج اکرام دور دراز سے جو آپ کی جا رہے ہیں ان کو پہنچائیں اور یہاں پر ایک دم پریکٹیکلی بتایا جائے گا سارے مسائل کے ساتھ اور ان کو جو ہے اسٹڈی مٹیریل بھی دیے جائیں گے حضرین یہ حج اور کعبے کی مختصر تاریخ رہی پھر فضیلت میں نے آپ کو مختصرا سنائی اور بھی فضیلتیں ہیں آئیے اب حج کے مقصد میں آپ کو بتاؤں مقاصد کیا ہے یہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے اور اس طرح کی سوچ لے کر حاجی لوگ جائیں اور جو حج کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کو آسانی فرمائے برکت دیں اور وہ بھی یہ سوچ لے کر جائیں حج تمام عبادتوں سے ہٹ کے ایک عبادت ہے حج تمام عبادتوں سے ہٹ کے ایک عبادت ہے ایک حاجی ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز دی اور پکارا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اذن فی الناس بالحج لوگوں میں حج کا اعلان کر دو جب کعبے کو آباد کیے اور اس کے لیے اللہ اکبر میری ماں اور بہنیں سنیں اس کے لیے ایک عورت کا ہاتھ ہے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے انگلش میں جو کہا جاتا بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیئر از وومن ہر کامیاب اور مرد کے پیچھے کا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے یاد رکھیے دنیا کے کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اما خدیجہ کا ہاتھ ہے اما عائشہ کا ہاتھ ہے امہات المومنین کا ہاتھ ہے ساری دنیا نے ٹھکرایا خدیجہ نے ساتھ دیا اور خدیجہ نے شوہر کے لیے جو کام کیا دنیا رہتی دنیا تک کوئی بی بی اپنے شوہر کے لیے نہیں کر سکتی ہے آپ نے پہاڑ دیکھا غارِ حرا کتنا بڑا پہاڑ ہے خدیجہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر توشا تیار کر کے سالن اور کھانا لے کے پہاڑ چڑھ کے شوہر کو توشا پہنچا کر آیا کرتی تھی اللہ اکبر پیدل پہاڑ چڑھ کے آج بھی کوئی راستہ نہیں ہے سوچو اس زمانے میں لائٹ نہیں روشنی نہیں کچھ نہیں ہے اکیلی تنی تنہا ایک عورت سانپ بچھو جنگلی جانور پہاڑ چڑھ کے شوہر کو کھانا پہنچا کے آ رہی ہے اللہ اکبر کیا پیغام اللہ کو یاد آ اتنی پسند آ گئی اللہ نے عرش عظیم سے فرشتوں کے سردار کو بھیجا انسانوں کے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ جاؤ اسی بخاری کی حدیث سے جاؤ جبرائیل یہ خدیجہ آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں سالن ہے کھانا ہے تیار کر کے اپنے شوہر کو انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے اکیلے آپ نے بال بچوں کو گھر میں دیکھ رہی ہے اور شوہر یہاں پر 10-15 دن غارِ حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اف نہیں حرف شکایت نہیں کچھ نہیں ہے آ کر کھانا پہنچا رہی ہے جب آئے تو جا کر کہو اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچے اللہ اکبر اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچے اور جبرائیل نے کہا مجھ سے بھی رہا نہ گیا میں نے بھی کہا کہ میرا بھی سلام پہنچا دیجئے کس کا سلام رب کائنات کا سلام عرش عظیم کے مالک کا سلام فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے انسانوں کے نبیوں کے سردار کے ذریعے سے اور کہا کہ خدیجہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اللہ نے جنت میں تمہارے لیے محل بنایا اللہ اکبر شوہر کی تابعداری کرو شوہر کی اور ایک تابعداری کا فائدہ دیکھو دنیا میں دوسرے کامیاب ترین انسان ابراہیم علیہ السلام ہے ہم قربانی کا موقع سیزن آ رہا حج کے موسم جو یادگار ہے خانوادہ ابراہیم ہم صرف ابراہیم کو یاد کرتے ہیں ابراہیم نے شوہر کی حیثیت سے قربانی دی ایک باپ کی حیثیت سے قربانی دی ہاجرہ نے ایک ماں کی حیثیت سے ایک بیوی کی حیثیت سے قربانی دی اور اسماعیل نے ایک اولاد کی حیثیت سے قربانی دی وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ہاں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندھا سے گلستہ پیدا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے ابراہیم کے پیچھے ہاجرہ کا ہاتھ ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے لخت نظر کو اور بڑھاپے کے سارا چھوٹے بچے کو لے جا کے بے آب ہو گیا سر زمین پہ چھوڑ کے آئے اللہ اکبر اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا بڑھاپے میں اکلوتی اولاد
कसारा है और बच्चा जच्चा दोनों को ले जाके रेगिस्तान में छोड़ के आए हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब जाने लगे, खदीजा ने उफ नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म, मुझे मर्जी मंजूर है, वहां पर रह गई। अगर खदीजा कहती कि नहीं मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, सॉरी हाजिरा कहती कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, चैप्टर वहीं पर क्लोज। इब्राहिम ने शुरू का किए, इनिशिएटिव किए और इस पौधे को आगे बढ़ाने वाली आपकी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखो इब्राहिम शुरुआत करके आ गए, दूर आने के बाद जहां देख नहीं सकते, क्योंकि पलट के देखूं तो शायद ममता उछल पड़े और मैं जाकर उनसे मिल लूं, देखना गवारा नहीं कि बस रख के चल दिए, चल दी इब्राहिम। चले बहुत दूर जाने के बाद एक टीले पर ठहर कर देखकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अय अल्लाह ताला इन्नी अस्कंतु रब्बना इन्नी अस्कंतु, मैंने अपने आलो औलाद को तेरे हुक्म से बसाया है ऐसी जगह पर भी वादिन गैरी सी सर, जहां घास नहीं, फूस नहीं, आबादी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, अल्लाह तेरी मर्जी से तेरे हुक्म से ले जाकर मैंने वहां पर बसाया है। अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमाना, मक्के को आबाद करना और इस मक्के को तू अमन का गहवारा बना देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमन के लिए दुआ किया है। हम इब्राहिम की मिल्लत की बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मामूली कुर्बानी नहीं है, मामूली कुर्बानी नहीं है। उसके बाद देखो पानी खत्म, खाना खत्म, छाती से दूध खत्म, पानी के लिए हाजिरा दौड़ रही है, दौड़ रही सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह अकबर, मरवा से सफा, सफा से मरवा दौड़ी है, यकीन हो गया पानी नहीं है, फिर भी दौड़ रही है, दौड़ रही, क्यों दौड़ रही है? ये पैगाम, अल्लाह तूने बुढ़ापे में औलाद दिया है, रेगिस्तान में पानी भी तू देगा, मेरा काम मेहनत करना है, ढूंढना है, देने वाली जात तू है अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर। उसके बाद देखो ऐसा पानी दिया, बुढ़ापे में ऐसी औलाद दिया, उसके बाद देखो सारी दुनिया उस नबी के, नबी के नस्ल से आखिरी नबी आए, सारी दुनिया से कहा कि उनकी पैरवी करो, और ऐसा पानी दिया रेगिस्तान में सारी दुनिया को सैलाब करता है वो कुआं, और इतना मुबारक पानी है, हजारों लीटर निकाला जाता है, हजारों साल से कम होने का नाम नहीं है, मुजजा नहीं तो और क्या है? फी आयातुम बय्यिनात मुकाम इब्राहिम। बताओ सफा मरवा की सही कहां से मिली? हाजिरा की वजह से। मक्का आबाद हुआ हाजिरा के जरिए से, जमजम का कुआं मिला हाजिरा के जरिए से, फिर काबे की असरेनो तामीर हुई इनके जरिए से। ये है खानवादा इब्राहिम और उनकी यादगार है मेरे भाइयों। आज हर औरत को ये रोल अदा करना चाहिए, हाजिरा और खदीजा के रोल अदा करो, हर शौहर को इब्राहिम और मोहम्मद जैसे बनना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर औलाद को इस्माइल जैसे बनना चाहिए, तब जाकर ये दुनिया बदलेगी। आज इस तरह समय होना चाहिए। हाजरीन आइए, ये जो पैगाम इब्राहिम ने ऐलान किया, खानवादा इब्राहिम की यादगार को लेकर एक हाजी निकलता है, हज के जो मकासिद और पैगाम याद रखो, हाजी निकलता अपने घर से, निकलते हुए उसके दिल में एक अजीब तरह की कैफियत होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने पुकारा है और मैं वहां पर जा रहा हूँ, जिंदगी में जो पहली बार जाता है वो मोहब्बत से और अल्लाह ताला के घर के दीदार से मामूर होता है, शौक रहता है, थकान रहती है, फिर भी सोचता कब जाऊं काबा, कब जाऊं काबा, जाके काबा को देख लेता हूं, अल्लाह अकबर, काबे को पहली नजर देखता है, दिल माला माल हो जाता है, आंखें नमनाक हो जाती हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, अल्लाह के बारगाह में कहता है, अल्लाह तूने पुकारा है, लब्बा एक बंदा हाजिर है, बंदा हाजिर है, मैंने सब कुछ छोड़ा है, घर बार को छोड़ा है, वतन अजीज को छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, तिजारत को छोड़ा है, जायदाद को छोड़ा है, जमीन को छोड़ा है, सबको छोड़ छाड़ के मैं अकेले यहां पर हाजिरी दिया हूं, एक कफन लेके कफन बांध के, याद रखो ये पैगाम है, आखिरत का पैगाम है, एक हाजी इस तरह के पैगाम और मकसद लेकर जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन मुझे ऐसे ही दो ड्रेस में, जिसमें जेब नहीं है, जिसमें पॉकेट नहीं है, सिला हुआ नहीं है, सब छोड़ छाड़ के जाना है। याद रखो मेरे भाइयों, ये पैगाम सबसे पहले आप लेकर जाओ, हाजियों को चाहिए सबसे पहले ये पैगाम लेकर जाएं। और दूसरा पैगाम हज का है तौहीद, 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 कदम कदम पे तौहीद का पैगाम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, तौहीद 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 कदम कदम पे है। यहां तक के अहले इल्म ने लिखा है तौहीद का मंजर और मजहर देखो कि सारे हाजी
एक ही सिमत में, हाँ एक ही सिमत में है, जो जा रहा तो जा रहा, आ रहा है आ रहा, ये भी तौहीद का पैगाम है। हाँ तौहीद का पैगाम, सबकी जबान पे एक ही तरह की बोली है, तौहीद 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 का नारा है, बाकी कुछ नहीं है। याद रखो, हाजिरी देता है हाजी और तौहीद के पैगाम को, नारे को आम करते रहता है। दूसरा पैगाम इशारो कुर्बानी, हाजी हर चीज को छोड़ छाड़ के दो कफन के कपड़े लेके चला जाता है, कुर्बानी देना सीखता है। और एक पैगाम सबर तहम्मुल, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, अलग अलग नस्ल रंग तहजीब कल्चर सोच विचार के लोग हैं, लेकिन वहां जाकर सब एक हैं, सब एक हैं, सबकी जबान पे एक बोली है, सब एक सिमत में है, सब एक ही ड्रेस में है, सबकी जबान पे एक तरह की बातें हैं। अल्लाह अकबर, क्या मुसावात, अदल इंसाफ, मुसावात का दर्स यह हज देता है। और उसके बाद याद रखिए, हज हमें बखीली से दूर करता है। कुर्बानी करके जाओ, जगर अल्लाह के लिए कुर्बानी दिया करो, यह हज का पैगाम है मेरे भाइयों। हज के यही सारे पैगाम की वजह से एक अजीम मजमा होता है। और हाजी को कोई बड़े बड़े दुआएं याद नहीं करना है, कोई बड़े जो रॉकेट साइंस नहीं है, बस जाकर लब्बाइक लब्बाइक कहो और हाजिरी दो, बस हाजिरी दे दो तो आपका हज हो गया, अरफा में हाजिरी दे दो आपका हज हो गया। अल्लाह ये देखना चाहता है, मैंने कहा कि आ जाओ, बंदा हाजिरी देता कि नहीं देता है। अल्लाह अकबर, ये हज के पैगाम और मैसेज है मेरे भाइयों। हमें और आपको सबको चाहिए इन पैगाम को आम करें। एक तो रब महबूब, हमारे रब ने महबूब ने बुलाया है, हम वहां हाजिरी दे रहे हैं। रब के उन निशानात को देखना है, खानवादा इब्राहिम को याद करके हमें भी इसार और कुर्बानी का जज्बा, तौहीद का पैगाम, सुन्नत रसूल के मुताबिक हज को अंजाम देना, क्योंकि हज मबरूर सुन्नत के मुताबिक किया हुआ हज, हज के जरिए से बखीली इसार और कुर्बानी सबर और तहम्मुल, ये सारे पैगाम का नाम है हज। हाजरीन, मैंने आपके सामने हज की तारीख और काबा मक्के मदीने की तारीख मुख्तसर, उनके फजाइल मुख्तसर, मकासिद पैगामात और उसके जो टारगेट से हदफ है वो मैंने रखा है। आइए अब मैं आपको इसी मौजू को दूसरे मौजू से जोड़ता हूं। हज के लिए जाते कहां जाते हैं? सबसे पहले काबे का इरादा। काबा क्या है? अल्लाह का घर एक मस्जिद है, है ना? अल्लाह का घर एक मस्जिद है, और दुनिया की हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है। काबे से हैं, क्या कहते हैं हम लोग के इन्ना अव्वल बैत वुदिया लिन्नास, बैत अल्लाह का घर, और काबे सबसे पहले हाजी उमरा करने वाला जाता है, पहला काम क्या करता है? इहराम बांध के काबे का तवाफ, काबे का तवाफ, हज्जे बैतुल्लाह, हज्जे बैतुल्लाह, खानाए काबा, काबा काबा, काबे का दीदार ही असल है, क्योंकि काबे के ऊपर अल्लाह का अर्श है, काबे के ऊपर अल्लाह का अर्श है, उसका तवाफ इबादत है। काबे के अलावा किसी और जगह हजर शजर इंसान का तवाफ शिर्क है, शिर्क है। हाँ, अब देखो उस काबे के साथ हर मस्जिद का ताल्लुक है। जहां काबा आबाद हुआ तो मक्का आबाद हुआ, वहां पर आबादियां आई, तौहीद का परचम आम हुआ, तौहीद के पैगामात आम हुए, ऐसे ही हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है। एक मस्जिद जिसका ताल्लुक काबे से होने वाली है वो बनने जा रही है। कहां वो बनने जा रही है? आपके हमारी रियासत, रियासत कर्नाटका, चित्तदुर्गा, दुर्ग बहुत मशहूर है, वहां का एक इलाका गांव है चलकिरे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वह जाने का शर्फ हासिल हुआ, चंद महीना पहले वहां प्रोग्राम रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उस प्रोग्राम में जाने का शर्फ हासिल हुआ, और वहां के जिम्मेदारों ने जाकर वो जमीन भी दिखाई जहां पर मस्जिद बनने हैं, बननी है। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लबे सड़क है, वो लबे सड़क रोड किनारे हैं, यानी दोनों तरफ रोड है, मेन रोड फिर सर्विस रोड है, और बेहतरीन जमीन है, बेहतरीन जमीन है, और वहां बहुत जरूरत है। चलकिरा अतराफ अतराफ में काफी जो है गांव है, वहां पर एक मस्जिद, मस्जिद तौहीद बनने जा रही है, मस्जिद तौहीद बनने जा रही है, और उस मस्जिद की जमीन के लिए 60 लाख का तखमीना है तकरीबन, उसमें से 40 लाख वहां के मुकामी अफराद मेहनत करके जमा कर चुके हैं, 20 लाख में बड़े परेशान हैं, और एक जमाने से हमारे यहाँ पर फोन कर रहे हैं, जिम्मेदारों से परमिशन ले रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारी भी जरूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद खलीलुल्लाह की एक पहचान है, अपनी जरूरतों के बावजूद भी वो दूसरों को देती है। हाँ, और यही पैगाम, यही बरकत है, एक दूसरे का ताउन करो, सपोर्ट करो, अल्लाह तबरक तआला देने वाला है बरकत। तो बड़ी उम्मीद लेकर आए हुए हैं,
हाँ, और मैं बार बार कहता हूं कि मस्जिद खलीलुल्लाह यहाँ बड़े बड़े मालदार तो नहीं है, लेकिन दिलदार लोग हैं, इखलास वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कहां से अल्लाह ताला कैसे बरकतें देता अल्लाह ही जानता। आप सिर्फ इरादा करो, आप सिर्फ इरादा करो और अल्लाह अकबर। अल्लाह के घर हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, और काबा आबाद तो सब आबाद हुआ। जहां पर एक तौहीद की मस्जिद आबाद हो, आप जानते हैं कि खलीलुल्लाह एक टिमटिमाता चिराग था एक जमाने में, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसकी पहचान है और सबको फायदा पहुंचा रही है। ऐसे इंशाल्लाह वो भी एक तौहीद, नाम भी मस्जिद तौहीद, तौहीद के मरकज बनेगी और कयामत तक ये जमीन होगी आपके लिए बेहतरीन सबका जारिया, सबका जारिया। बड़ी उम्मीद लेकर अल्लाह के बाद आप लोगों के पास आए हुए हैं और गांव से सिटी आए हैं, कैपिटल सिटी बेंगलोर, और बेंगलोर भी मस्जिद खलीलुल्लाह। आपसे गुजारिश है, आप भरपूर ताउन फरमाते जाएं, क्यूआर कोड है ट्रांसफर करें, लिखवा दे, बाद में दे दे, जितना हो सके अत्तल मकदूर। हाँ, हमारी तो ये ख्वाहिश और दुआ है कि बकिया जितनी रकम है यहीं से पूरी हो जाए। अल्लाह कर दे, अल्लाह बरकत दे दे, क्या बड़ी बात है। अल्लाह ताला चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अल्लाह अकबर, आप में से कौन कौन नहीं चाहेंगे कल कयामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बने। अल्लाह के पड़ोसी मामूली बात है। आज को कहते हैं कि फला इंसान है अच्छा, आदमी उनके पड़ोस में रहना चाहते। अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे ना भाई, अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे। तो याद रखिए, कल कयामत के मैदान में सही हदीस है, अल्लाह तबरक ताला फरिश्तों से कहेंगे आईना जी रानी मेरे पड़ोसी कहाँ है, मेरे पड़ोसी कहाँ है, ढूंढो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी है? हाँ जी मेरे पड़ोसी यहाँ है, जो मेरे घर को आबाद किए, मेरे घर को आबाद किए, मेरे घर में सबका खैरात किए, वो मेरे पड़ोसी, उनको ढूंढो। आईना उम्मार उल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, तामीर करने वाले कहाँ हैं, उनको ढूंढो, वो मेरे पड़ोसी है। अल्लाह अकबर। और सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह ने मस्जिद का तस्करा किया और फरमाया फी बुयूतिन अदिन अल्लाह अन तुरफा, अल्लाह के घरों के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया उनके नाम रोशन करो, अल्लाह के घरों का नाम रोशन करो। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, यहाँ से हर तरह की रोशनी फैलनी है, तालीम तरबियत अकीदा मनहज अखलाक किरदार अपनों में गैर में हर चीज के नूर यहाँ से फैलना चाहिए। मस्जिद को नूर का मरकज बनाओ, नबी ने ही किया है इंशाल्लाह एक नूर का मरकज, और हर तरह के नूर में आपका भी आपकी भी शिरकत होगी। कितना सवाब मिलेगा, हदीस कुरान नमाज रोजा सदकात खैरात जिक्र अस्कार तिलावत सारे नेकियों में आपका भी हिस्सा होगा। और खास तौर से जमीन जो कयामत तक एक मरतबा जमीन मस्जिद के लिए ली गई, गर्चे दूसरे जालिम लोग कब्जा भी कर ले, फिर भी आपके लिए वो इसाले सवाब हैं, सदकाए जारिया हैं। आप जानते हैं, समझदार हैं। आपसे दोबारा से बारा गुजारिश में ये करूंगा कि बढ़ चढ़कर मस्जिद तौहीद चल किरे के लिए ताउन फरमाते जाएं। और एक मसल्ला आप ले लें, 12,000 कोई बड़ी बात नहीं है, 12,000 हाँ सिटी वालों के लिए बड़ी बात नहीं है। एक मसल्ला आपको मिल जाए और आधा मसल्ला लेना चाहे, स्क्वायर फीट वहां के हिसाब से कम है, यानी 1,500 रुपए स्क्वायर फीट है, ये भी कम से कम हम 2-4 स्क्वायर फीट लेते जाएं। तो इस तरह से अगर मेरे ख्याल से स्क्वायर फीट का भी आप लेते जाएंगे, एक एक आदमी तहिया कर ले कम से कम मुझे एक स्क्वायर फीट लेना है इंशाल्लाह। या अल्लाह ने आपको जो भी उस्सत दी है आपके, अल्लाह मुझे तो याद आती है और अलम हमारा हमारे जिम्मेदार भी कदर करते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स और छोटे नोट, कहते भाई इसी में बरकत है, जो दिया है ना वो वाकई माने में दिल काट के दिया है वो। हाँ, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जैसल उसरा बहुत तंगी परेशानी के वक्त में ऐलान किए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेकर आए, बहुत कुछ लेकर आए, एक सहाबी छोटे चंद इतने खजूर लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने उठा के उसको सबसे ऊपर रखा है, कहा के देखो ये चंद नहीं है, इखलास और लिल्लाहियत जो होती है ना वो एक 5 रुपए के सिक्के में आपको 50 करोड़ का भी अल्लाह सवाब दे सकता है। अल्लाह करे आप जो भी हो सकता अल्लाह के रास्ते में ताउन फरमाए, अल्लाह तबरक तआला आपके दी हुई माल को कबूल फरमाए, बाकी माल में बरकत दे, सेहत आफियत के साथ रखें, आए हुए मेहमानों की जरूरतें पूरी हो। और ये हुरमत वाला महीना हज के सीजन है, इसमें नेकियों में सबका खैरात भी है, और ऐसी चीज में अल्लाह के घर की जमीन जिसका ताल्लुक काबे से जहां हज करने के लिए हुज्जाज जाते हैं, अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।